मधु खिलखिला के हंस पड़ी। बोली, देखो दीदी, ये नया जमाना है, इसमें सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। मेरे पति को उसकी बीवी अच्छी लगती है तो इसमें हर्ज ही क्या है, वो मजे लेगा और छोड़ देगा, मर्जी का सौदा है। गीता ने हैरत से पूछा, क्या मतलब, आपको बुरा नहीं लगता? क्यों बुरा लगेगा भला, जब मेरा सेम बात हमारे लिए लागू हो। उसमें बेशर्मी की दलील दी। गीता को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, मगर पैसे की रौनक देखकर चुप रही। जमाना पैसा दिखता है, चरित्र नहीं। वो बोली, मगर इस तरह के मजे के पैसा कहाँ से आता है, ये तो आपसी समझौता हुआ ना? गीता ने पूछा। अब राजीव ने जवाब दिया, इसमें इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं भाभी जी, आप पूछो मत, करीब आते हैं। राजीव ने गीता की कमर में चिकोटी काटते हुए कहा, मगर उसने इसका कोई नोटिस लिया ही नहीं। उसकी आंखों में दौलत नाचने लगी, पैसा ही पैसा, इतना की दुनिया देखकर जले, खास तौर पर रिश्तेदार, इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतराते फिरते हैं। गीता सपनों में डूब गई। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? मधु ने टोका। गीता जैसे नींद से जागी। कुछ नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। फिर घड़ी की ओर देखते हुए बोली, अब चलती हूँ मधु जी, काफी देर हो गई है, आपके दोस्त आते ही होंगे, अभी जल्दी क्या है भाभी जी, मैं हूँ ना, आनंद आपको कुछ नहीं कहेगा। राजीव ने कहा, चलो आपको एक पार्टी में घुमा लाते हैं। गीता खड़ी हो गई, नहीं अब देर हो जाएगी, माँ बापू इंतजार कर रहे होंगे। गीता ने खुद से वादा किया, कोई बात नहीं थी, फिर भी चलना कुछ देर बाद। राजीव गीता को घर छोड़ने आया, मगर उसके दिमाग में पैसा घूम रहा था। हालांकि आनंद काफी अच्छा पैसा कमाता था, मगर मधु के सामने सब फीका लगने लगा था। मुझे भी खूब पैसा कमाना, गीता ने खुद को वादा किया। कुछ दिन बीते, आनंद रोज कुछ न कुछ लाता और गीता को देता, वह खुश हो जाती, मगर जब मधु की याद आती तो उसे खुद पर तरस आने लगता। आखिर पैसा सब कुछ होता है इस जमाने में। आनंद तो कई जन्म भी इतना पैसा कमा नहीं सकता था जितना उसके पास है। गीता की रातों की नींद उड़ गई। उसने फैसला किया कि मधु की तरह पैसा कमाएगी, मगर आनंद को कैसे समझाएगी? आनंद यह बात मानेगा जरूर नहीं, मगर उसे कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसने आनंद से बात करने का फैसला कर लिया। शाम को आनंद घर लौटा। गीता स्वर्ण की अप्सरा की तरह तैयार हो गई। पति के गले में बाहें डालकर बोली, आज बड़ा इंतजार कराया आपने। आनंद उसे देखकर चौंक गया। उसकी कमर पर बाहें डालकर उससे चिपकाते हुए बोला, क्या हुआ, क्या बात है जान, आज बिजली गिराने का मूड है, क्या खूबसूरत लग रही हो। गीता ने गर्दन झुका ली। आनंद ने उसके माथे पर चुंबन लेते हुए कहा, क्या इरादा है जान, जी चाहता है तो मैं अपने जिस्म में संभालूं। गीता उसका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी, आज बड़ा मन था, आपके बिना नहीं रह सकता। इतना सुनते ही आनंद उसे बिस्तर पर पटक दिया और बेतहाशा किस करने लगा। गीता मदहोश होने लगी थी, धीरे धीरे जिस्म से कपड़े अलग होने लगे और कमरे में एक ऐसा जलजला आया कि पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त ही हो गया, जो जिसमें थक कर चूर हो गए थे। एक निमस्त शांति छा गई थी। गीता पति के सीने पर सर रखकर निढाल से लेटी थी। आनंद बालों में उंगलियां घुमा रहा था। गीता ने प्यार से कहा, सुनो जी, मधु जी कह रही थी कि कोई पार्टी होती है जिसमें खूब पैसा आता है। ये सुनते ही आनंद चौंक गया, तुम मधु से कब मिली? आज उसने जवाब दिया। कब? गीता ने पूरी बात बिस्तर से बता दी और आनंद ने पार्टी में जाने के लिए बात तुरंत खारिज कर दी और कहा कि तुम पार्टियों में आप नहीं जाओगी। क्यों? गीता ने पूछा। मैंने मना किया ना, आप इस बारे में कोई बात नहीं होगी, तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी, समझी? आनंद ने चेतावनी दे दी। गीता चुप हो गई। गीता ने पति से पूछा कि उसने ऐसी पार्टी में जाने से मना कर दिया। गीता मन मायूस हो रह गई। अगले दिन जब आनंद ऑफिस के लिए निकलने तो गीता मधु से मिलने के लिए बेचैन हो गई, मगर उसके पास जाए कैसे, इस जमाने में आज की तरह फोन की सुविधा भी तो नहीं थी, कैसे संदेह भिजवाए। उसने एक तरकीब सोची। वह तुरंत अपनी ननद चुटकी के पास पहुंची। बोली, चुटकी आज तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, उसने तापाक से उत्तर दिया, मुझे बाजार में काम है, मेरे साथ चलोगी? हाँ चलूंगी, मगर क्या काम है? उसने चहक कर कहा, तू बस चल, वो बाद में बताएगी। गीता ने उसे मना लिया और जल्दी काम निपटाने में लग गई। माँ बापों को कहकर गीता ननद के साथ ले जा पहुंची राजीव के घर। चुटकी उन्हें पहले से ही जानती थी। भाभी मधु की खूब बातें, मौका देख मधु ने कहा, चुटकी बाबू हम कुछ देर में आते हैं, तब तक आप घर रहकर बनाओ, खाना खाओ। और क्या मतलब है, आप कहीं जा रहे हो? हाँ हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भाभी को कुछ दिखाना है। क्या मतलब भाभी, कोई खुश खबरी आने वाली है? वो खुशी से उछली। मधु ने इशारा किया। गीता बोली, हाँ यही कुछ समझ लो, मगर अभी कुछ पक्का नहीं है। और वो दोनों घर से बाहर निकल गए। मधु ने रिक्शा किया और वो चल पड़ी।
अनजान दिशा की ओर। मधु राजीव के साथ वहां जाने के लिए कई बार जा चुकी थी, मगर आज वो जा रही थी गीता के साथ। वहां राजीव से मिलने वाले थे, सब पहले निर्धारित था। कुछ ही देर में वो दोनों एक स्थान पर पहुंचे जहां शहर से दूर था। एक सामान्य से मकान में आगे वो रुके, निरीक्षा वाले को रवाना किया और वो अंदर घुसे। गीता के मन में अनाम सा डर बैठ गया था, न जाने कैसे लोग होंगे वहां, कैसा माहौल होगा, मगर हिम्मत बांध ली कि मधु साथ है। सामान्य से दिखने वाले मकान में अंदर एक गलियारा था, उसे पार करने के बाद उसे एक बड़ा कमरा नजर आया। कमरे में बाहर एक गार्ड खड़ा था जो आने वाले लोगों का परिचय कार्ड देख रहा था। दोनों गार्ड के पास पहुंचे, गार्ड ने एक गहरी दृष्टि गीता पर जमाई जिसे देखकर गीता सहम सी गई। मधु ने उसे कार्ड दिखाया और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देख गीता बहुत चौंक रह गई। एक आलीशान महल जैसा एक बड़ा सा हॉल था, बीच में झूमर और चारों ओर बड़ी बड़ी मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती मोतियों की झालरें लगी हुई थी। चारों ओर खाने की मेजें, आरामदायक कुर्सियां और सामने विभिन्न प्रकार की शराब की बोतलों से सजा मैं खाना, दिन में रात जैसे माहौल, अजीब सी सुगंध, मदहोश कर देने वाला संगीत, चारों ओर पुरुष और महिलाओं की मौजूदगी, हाथों में गिलास और मधुर की संगीत की धुन पर लड़खड़ाते पैर, सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। गीता ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। मधु से बोली, मधु जी मेरा घबरा रहा है, राजीव ने कहा। मधु मुस्कुराई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राजीव भी आते ही होंगे, आओ हम इस टेबल में बैठते हैं। उसने एक टेबल की ओर इशारा किया, चार कुर्सियों में इस टेबल पर जोड़े पहले से ही बैठे थे। गीता सकुचाती हुई कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। मधु सामने की ओर बैठी हुई थी कि राजीव सामने से आते हुए दिखाई दिए। उनकी बाहों में कोई सुंदर सी महिला थी जो उनसे चिपक कर चल रही थी। राजीव की मौजूदगी में गीता को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और वो चौंक सी गई थी। हिम्मत जरूर हुई मगर उस महिला को देखकर बेचैनी होने लगी। उसने दबी जान मधु से पूछा, इनके साथ ये औरत कौन है। मधु सीट से खड़ी होते हुए बोली, गीता जी यहाँ कोई सब चलता है, यहाँ सब आजाद हैं, जिसकी जो मर्जी करो, कोई गिला शिकवा नहीं, सब मर्जी के मालिक है यहाँ ये सब। और वो इतने खुले रूप में देखकर दिमाग चकरा गया। तभी एक नशेड़ी आया और मधु के गलों पर चिकोटी करते हुए बोला, आज तो बड़ी मस्त लग रही हो। मधु ने उसकी ओर एक मधुर सी बिखेर दी। गीता को ये सब बड़ा अजीब सा लगा था। उसके मधु का हाथ पकड़ो एक कोने में बोली, मधु जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दम घुट रहा, चलो यहाँ से। राजीव ने गीता का हाथ पकड़ो और बोले, अरे यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम परेशान क्यों होती हो, हम है ना। नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है, जाना है अभी। उसने हाथ झटका, ठीक है अभी चलते हैं, पहले कुछ खा पी लो, राजीव ने प्यार से समझाया। गीता कुछ कहने वाली थी कि मधु ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। गीता चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। एक बेटर और तीन गिलास रख गया, उसमें से थोड़ी थोड़ी शराब थी। क्या खाओगी गीता जी, राजीव ने पूछा। मैं कुछ नहीं लूंगी, आप लोग खा पी लो, मैं भी बैठी हूँ। गीता ने दोनों हाथ बांध लिए, आप नहीं लोगी तो हम भी नहीं लेंगे, बस यही है, इसके बारे में कुछ नहीं लेंगे, ले लो, राजीव ने उसकी ओर हवाई चुम्बन लेते हुए कहा। गीता ने बेमन से गिलास उठाया और एक झटके में खाली कर दिया। बड़ा अजीब सा स्वाद था, मुंह कसैला सा हो गया था। फ्राइड काजू की प्लेट, दो काजू उठकर राजीव ने उसके मुंह पर डाल दिए। थोड़ा चबाया तो मुंह का स्वाद कुछ ठीक हुआ। मधु धीरे धीरे पैक पी रही थी। संगीत पर नाचते जोड़ों से सिरकन बढ़ने लगी, रोशनी गुलाबी हो गई, मधुर से छाने लगी। गीता चलने के लिए परेशान हो गई थी, मगर पार्टी का माहौल सा रंगीन होने लगा था। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।